नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हों। स्वागत है आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में, दैट इज अन अकेडमी। सो दिस इज आवर डिफेंस क्लासेस। सो आपको पता है लास्ट टाइम हम मिसाइल्स कर रहे थे, कंटिन्यू करेंगे वहाँ से। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल ऑल्टरनेट साल क्वेश्चन आता ही रहता है मिसाइल्स पे। जैसे लास्ट ईयर अस्त्र मिसाइल पे आ गया था, उससे पहले अग्नि मिसाइल पे आ गया था। सो वी विल कवर ऑल द मिसाइल्स इन डिटेल। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने करंट अफेयर्स का, जो मेरा बैच चल रहा है स्पेशल क्लासेस पे, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। सो वी आर कवरिंग द ऑल वन ईयर करंट अफेयर्स इन दिस वन मंथ। ओके, वन ईयर करंट अफेयर्स इन वन मंथ। तो आज क्लास है 9 बजे, तो आई वॉन्ट कि आप आए। अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, इट विल रियली हेल्प यू इन द प्रीलिम्स 2020 ऑब्वियसली एंड इन 2021 ऑल्सो। ठीक है, तो चलते हैं अपन आगे। ओके, सो दिस इज आर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी क्लास, जो हर वेनसडे को होती है। तो लास्ट क्लास में हमने मिसाइल्स को छोड़ रखा था आधा, तो कंप्लीट करेंगे इस बार। ठीक है, यूट्यूब का मेरा प्लेलिस्ट है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पे। आई विल सेंड द पीडीएफ आफ्टर वी कंप्लीट होल ऑफ द मिसाइल्स। ठीक है, मिसाइल पूरा होते ही तब मैं पीडीएफ भेज दूंगा इसका टेलीग्राम ग्रुप पे। ओके, सो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ये लिंक भी मिल जाएगा, तो आप क्लिक कर सकते हो। पुराना जैसे वीडियो आपने नहीं देखा है, पुरानी क्लासेस नहीं देखिए, तो आप यहाँ से क्लिक करके सारी पुरानी क्लासेस देख सकते हो। स्पेशल क्लास का लिंक है यहाँ पे, आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो अगर आपको बात करनी है मुझसे। ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेना हो या कुछ पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही हो या कुछ भी बात हो, तो आप मुझे यहाँ मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई विद इन 24 आवर्स। ओके, हियर अ लिटिल बिट बायो ऑफ माई सेल्फ, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो मेरा स्केड्यूल है, ये फ्री क्लासेस का स्केड्यूल है, टाइम टेबल है। काफी बच्चे नए जुड़ते हैं हर क्लास में, तो उन्हें पता नहीं होता। सो दिस इज माय स्केड्यूल। संडे वी हैव द करंट अफेयर्स क्लासेस, पूरा 7 डे से करंट अफेयर्स करते हैं हमसे। मंडे को 5 बजे सब यूट्यूब पे होता है ये। ठीक है, मंडे को 5 बजे वी हैव द सिक्योरिटी रिपोर्ट एनालिसिस क्लास ऑन द मिशन आईएएस प्लेटफॉर्म। ओके, इनिशिएटिव, सॉरी, द प्लेटफॉर्म इज द यूट्यूब। ओके, ट्यूजडे को मैपिंग करते हैं, जैसे कल हमने की थी मिजोरम स्टेट की। ठीक है, स्टेट वाइज हम कर रहे हैं मैपिंग। वेनसडे को जैसा कि आज है डिफेंस एंड सिक्योरिटी क्लास है, एंड थर्सडे फ्राइडे को आई टेक आईआर ऑन द एच इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये मेरा शेड्यूल है यूट्यूब का स्पेशल पे। आई ऑलरेडी टोल्ड यू वन ईयर करंट अफेयर्स वी आर डूइंग एट द अनअकैडमी .com। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, सो प्लस के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं मैं, यू कैन टेक द प्लस सब्सक्रिप्शन। ओके गाइस, आफ्टर ऑल दीज ऑल आर डेमो क्लासेस, जो आपको यूट्यूब पे होती है, स्पेशल पे होती है, ये सब एक तरह से डेमो क्लासेस है। ठीक है, आपको असली जो पढ़ाई का अनुभव मिलेगा, अच्छी आप तैयारी कर सकते हो एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक बेटर तरह से, वो है आपका प्लस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, द बेनिफिट इज दैट वी आर गिविंग यू दिस एट द फ्रैक्शन कॉस्ट, 40,000 रुपये का फीस है ज्यादा से ज्यादा एक साल का। यही सारा चीज आपको ऑफलाइन में 2-3 लाख रुपए का मिलता है। ठीक है, कंटेंट आपको 10 गुना बेटर मिलता है, मैं बता चुका हूँ क्यों मिलता है, बिकॉज वी आर अ ओपन प्लेटफॉर्म एंड अ कोचिंग इंस्टीट्यूट इज अ क्लोज्ड प्लेटफॉर्म। ठीक है, क्लोज्ड इकोसिस्टम। ठीक है, तो लाइव क्लासेस होती हैं, यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, सारा स्ट्रक्चर तरह से आपको करा दिया जाता है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, IR, करंट अफेयर्स, सब आपको टाइम टेबल जैसा एक ऑफलाइन कोचिंग में होता है। गाइज, नए बैच भी चालू हो रहे हैं, तो आपको बताऊंगा आज तारीख क्या है नए बैचेस चालू होने की, तो जिसमें आप पूरा साल भर चलेंगे वो बैचेस, और अपना कोर्स आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको अनलिमिटेड मिल जाती है, क्विजेस मिल जाते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है जब तक आपका सब्सक्रिप्शन रहता है। तो फर्स्ट यू हैव टू डाउनलोड द ऐप, इंस्टॉल द ऐप, और इफ यू आर टेक वांट टू टेक सब्सक्रिप्शन, आई विल से यूज योर लैपटॉप, ओके, और डेस्कटॉप, ओके, और ऐप आप इंस्टॉल कर लें, मुझे फॉलो कर लें, तो आप ताकि आप मेरे स्पेशल से इनिशिएटिव से स्पेशल क्लासेस होती है उससे तो जुड़ी जाएं, सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम। ठीक है, आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक द फॉलोइंग कैटेगरीज, प्लस पे जाना है, यूपीएससी पे जाना है, गेट सब्सक्राइब में जाना है। ओके, यू कैन सी द रेट प्लान आफ्टर दिस, हम सजेस्ट करते हैं मिनिमम 1 साल का तो लो ही, ओके, बिकॉज दिस इज वेरी बेनिफिशियल ऑल्सो इकोनॉमिकल वाइज भी, और वैसे भी बच्चों इतना जरूरत रहता है, ये कोर्स यार बड़ा है बहुत, प्रीलिम्स है आपका, मेंस है, इंटरव्यू है, ऑप्शनल भी आपको करोगे, टेस्ट सीरीज करोगे। ठीक है, सिर्फ 13 कोड लगाते ही आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। क्रेडिट आपके पास कुछ होगा तो उसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये क्रेडिट आपको मिलता है जब आप स्पेशल क्लासेस देखते हो, फ्री क्लासेस देखते हो किसी भी एजुकेटर की। ठीक है, तो उसका भी फायदा आप उठा सकते हो, कुछ रुपीज आपका लेस हो जाएगा इससे भी, 10% आपका लेस हो जाएगा 13 से। सिर्फ 13 यूज करने के यही फायदे नहीं है, सिर्फ 13 यूज करने का फायदा ये भी है कि आपको मेंटरिंग और गाइडेंस मिलेगी पूरे टाइम मेरे से, ऑन फोन नंबर, पर्सनल लेवल में मिलेगी। मेरे जो ग्रुप्स हैं जहाँ पे आप जुड़ जाओगे, प्राइवेट ग्रुप्स जो हैं, वहाँ पे हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, सारे बेनिफिट्स मिलते हैं आपको वहाँ पे, तो जुड़ी जाओगे, साथ में आपको पर्सनल नंबर आपको मिल जाएगा जहाँ से आप 24/7 मुझसे टच में रहोगे। ओके, सो दिस इज द रेट प्लान। 2 ईयर का आप ले सकते हो अगर आप एग्जाम दे रहे हो 21/22 या 23 के अंदर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, यूज द कोड सेट 13 गाइज, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, आइकॉनिक हमारा नया चालू हुआ है, आपको पता है 4 फीचर इसमें एक्स्ट्रा हैं,
पर्सनल कोच आपको एक मिल जाता है अनअकैडमी की तरफ से, एक एजुकेटेड और वेल एजुकेटेड बंदा होता है यूपीएससी के हिसाब से, ही हैज गिवन एटलीस्ट मेंस और इंटरव्यूज, सो ही विल ऑल्सो गाइड यू ऑफिशियली। ठीक है, ऑफिशियली आपका अनअकैडमी की तरफ से कोच हो जाएगा ये। मेंस क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस होती है, आपकी स्टडी प्लानर होता है, फीडबैक आपको दिया जाएगा। दोनों जगह आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, दैट इज सिड एसपी और द सिड 13। ठीक है, दोनों जगह आप 10% की छूट पा सकते हो, दोनों जगह मैं आपकी मेंटरिंग और गाइडेंस करूंगा। ठीक है, बस फीचर्स थोड़े एक्स्ट्रा है, सो यू कैन सी वॉट इज द बेस्ट फॉर यू। ठीक है, सो जैसा कि आपको बताया नए बैचेस चालू हो रहे हैं गाइज, यू कैन एनरोल इन दिस बैचेस, दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट, एनरोलिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट बट यू हैव टू टेक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, बैच चालू हो रहे हैं, हिंदी का बैच हो रहा है, लक्ष्य यूपीएससी सीएससी 2021, मिशन आईएएस यूपीएससी सीएससी इज फॉर इंग्लिश, ओके दिस इज फॉर हिंदी। ठीक है, ये हिंदी का बैच है, इंग्लिश का बैच है, चालू कब हो रहा है 14 तारीख को, तो आप रेगुलरली पूरे साल के अंदर इसमें आपको तैयारी करा दी जाएगी यूपीएससी। ओके, सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, सो यू कैन थिंक अबाउट इट, यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन, है आपके पास अभी 5-6 दिन है, आप सोच सकते हो, आप ले सकते हो, कोड आपको यूज करना है सेट 13, ताकि बैच का कंटेंट के साथ में आपको मेंटरिंग और गाइडेंस भी मिलती रहे, कोई प्रॉब्लम हो तो आप, मैं हमेशा हूँ आपके लिए, आपकी हेल्प करने के लिए। ओके, चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके गाइस, सो प्लीज यूज रेकमेंड दिस कोड, गेट 10% डिस्काउंट ऑन द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। लेट्स मूव टू द क्लासेस गाइस। सो हम पढ़ रहे थे मिसाइल्स के बारे में, काफी हमने कंप्लीट कर भी लिया था। ठीक है गाइस, एक बार लाइक कर दीजिए क्लास को, थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी जुड़ जाए अपने साथ। सो आई वेलकम चाहत, राधा कृष्णन, ओके चंदन यादव, अभिनव शर्मा, मोहित जाट, ओके वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, सुमन तिवारी, ओके सो वेलकम कुरनाल, सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, अंशुमन तिवारी, ओके लेट्स स्टार्ट। अच्छी क्लास है, इंटरेस्टिंग क्लास है बच्चों, क्वेश्चन हर साल आ रहा है इसमें से, मैं आपको कैसे बोलूं, आप पेपर उठा के देख लो, 5 साल का पेपर उठा के देख लो, 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको एस्त्र मिसाइल पे और अग्नि मिसाइल पे। ठीक है, आ चुका है क्वेश्चन, सारी मिसाइल हम कवर कर रहे हैं A to Z, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है कुछ भी, मिसाइल्स आपका सारा करा दिया जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, जितना टॉपिक मैं लेता हूँ यहाँ पे उसका टेंशन मत लिया करो कि पूरा होगा या नहीं होगा, वो पूरा होगा। ठीक है, बट प्लस एक अलग चीज है, वो आप लेके पता चलेगा, आप डेमो लेके तब पता चलेगा, अगर आप रेस्ट अश्योर्ड लीजिए कि आपने यहाँ पे कोई टॉपिक कर लिया, ठीक है, तो वो पूरा कराया जाएगा आपको। ठीक है, उसमें से आपका कोई बचेगा नहीं कुछ भी। ठीक है, सो प्लस इज अबाउट कंप्लीटिंग द होल सिलेबस, ओके यूट्यूब इज जस्ट कंप्लीटिंग द होल टॉपिक। ठीक है, तो आपको टॉपिक कंप्लीट करा दिया जाएगा, पर सिलेबस आपको पूरा कंप्लीट करना है, तो प्लस इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन, ओके दैट इज, इट हैज नो सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो प्लस का रोल अलग है, पर सिलेबस आपको पूरा करना है क्योंकि आपको यूपीएससी का एग्जाम देना है। ओके, सो लास्ट टाइम वी डिड ऑल दिस, मिसाइल्स मैंने आपको बता दिया था क्या होता है मिसाइल, सेल्फ प्रोपल्शन मैकेनिज्म होता है, कई तरह के मिसाइल्स हैं हमारे पास। मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करी थी, मेरे को टाइप्स बताए थे, सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस मिसाइल होती है, ठीक है, जमीन से जमीन जो मार करती है, इसका एग्जाम्पल अग्नि है, पृथ्वी है, एयर टू सरफेस मिसाइल है, ओके हेलिना, हम इन सारी मिसाइल्स के बारे में आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट वन में मैंने आपको टेक्नोलॉजी बताई थी, मिसाइल टेक्नोलॉजी, दैट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ योर SNT। ठीक है, अब मैं आपको मिसाइल्स बताऊंगा, एक्चुअली आज की तारीख में इंडिया के पास कौन कौन सी मिसाइल्स है, और जनरली क्वेश्चन वहीं से आता है। ठीक है, क्वेश्चन प्रीलिम्स में तो आता ही है इसके अंदर, साथ साथ मेंस में आपके GS3 के अंदर भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है मिसाइल टेक्नोलॉजी पे, MIRVs पे। ठीक है, MIRV क्या होते हैं, जो भी चल रहा है, स्क्रैमजेट का आपको आया है हाइपरसोनिक, मैंने आपको बताया था अभी परसों ही न्यूज में था, स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी हमने हासिल कर ली है, तो वो क्या है। ठीक है, एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है, तो सब आपको बताया जाएगा आज। ठीक है, तो टाइप्स मैंने बता दिया था लास्ट टाइम पे, गाइडेंस सिस्टम भी मैंने आपको बता दिया था कैसे एक मिसाइल गाइड होती है। जो लोग आज नए हैं वो लास्ट वेनेसडे की क्लास देख सकते हो, प्लेलिस्ट पे क्लिक करके, आपको परेशान भी नहीं होना है और आपको मिल जाएगा, लास्ट वेनेसडे की क्लास देख लेना, तो मैंने सब समझाया था आपको ये। ठीक है, let's not waste time again in repeating all the same things, ठीक है, let's move forward, ठीक है। Warhead मैंने आपको बताया था, warhead क्या होता है बच्चों, warhead होता है जो मिसाइल के टिप के ऊपर लगा रहता है, ठीक है, that is basically a warhead, ठीक है, warhead कुछ भी हो सकता है, न्यूक्लियर भी हो सकता है, बॉम्ब भी हो सकता है, ठीक है, RDX टाइप भी हो सकता है कुछ, ठीक है, जो एक्सप्लोजन करे, ठीक है, मगर न्यूक्लियर ना हो, ठीक है, और न्यूक्लियर भी हो सकता है, उसे हम warhead कहते हैं, एक्सप्लोजिव होता है, टॉक्सिक मटीरियल होता है, गन पाउडर से बनता है, ठीक है, जो नॉर्मल वाला है, वरना न्यूक्लियर तो आपका है ही, कुछ बायोलॉजिकल वेपन भी आप डाल सकते हो उसमें, ठीक है, केमिकल वेपन भी डाल सकते हो, तो वॉरहेड में आप कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, सो केमिकल बायोलॉजिकल आ गया आपका। ठीक है, स्टेल टेक्नोलॉजी की मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि स्टेल टेक्नोलॉजी में इंडिया काम कर रहा है, बट अभी तक हमने ऐसा कुछ बनाया नहीं है इसके अंदर। ओके, दिस इज द वन गुड एग्जांपल ऑफ द स्टेल टेक्नोलॉजी। स्टेल्थ में क्या होगा, दिस मिसाइल कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द रेडार। ठीक है, मिसाइल हो, कोई प्लेन हो, फाइटर जेट हो, जब रेडार की पकड़ में ना आए वो,
स्टेल्थ का मतलब होता है कवच, ठीक है, छुप जाएगा एक तरह से, कैमोफ्लाज कर लेगा अपने आप को वो। सिमिलरली सम मिसाइल्स, द बेस्ट एग्जाम्पल इज AGM-158 JSS, पर आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारी नहीं है, यूएसए की है, ठीक है, तो दूसरे कंट्री की मिसाइल यूपीएससी नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। स्पीड की बात करी थी मैंने, आपको बताया था सबसोनिक क्या होता है, ठीक है, जो आवाज की रफ्तार से कम चलते हैं वो सबसोनिक होते हैं। सुपरसोनिक मैंने आपको बताया, जो आवाज की रफ्तार से तेज चलते हैं, यानी कि 1235 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो तेज चलेगा वो हाइपर सोनिक मिसाइल कहलाएगा, और 1235 किलोमीटर की रफ्तार से जो कम चलेगा उसे हम कहते हैं सबसोनिक मिसाइल, ठीक है। चलते हैं पर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। लास्ट पढ़ा दिया था मैंने तो ज्यादा नहीं करा। प्रोपल्शन सिस्टम के बारे में बताया, प्रोपल्शन मतलब मिसाइल को पावर कहाँ से मिलता है आगे बढ़ने का, ठीक है, प्रोपल्शन मतलब आगे कैसे बढ़ रहा है मिसाइल, दैट इज कॉल्ड द प्रोपल्शन पुशिंग फोर्स, ठीक है। प्रोपल्शन सिस्टम एक तरह से आप कह सकते हो कि इंजन होता है, ठीक है, इंजन होता है आपके मिसाइल का, ठीक है। क्रायोजन टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल में बात किया था, आज हम चालू करेंगे क्रायोजन टेक्नोलॉजी से, ठीक है। प्रोपल्शन मैकेनिज्म मैंने आपको पूरा बता दिया था, थ्रस्ट होता है, न्यूटन का लॉ होता है, थर्ड लॉ, यू नो एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना बच्चों, लास्ट ईयर लास्ट टाइम मैंने कवर कर दिया था वैसे भी, ठीक है, तो ये सब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो आपको देखो न्यूटन थर्ड लॉ का दिख रहा है यहाँ पे एग्जाम्पल, ठीक है, थर्ड लॉ, न्यूटन जो थे हमारे साइंटिस्ट थे बहुत बड़े, तीन लॉ दिए थे, पहला और दूसरा लॉ अपने मतलब का नहीं ज्यादा, थर्ड लॉ आपको पता होना चाहिए, एवरी यू नो एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, द कर्मा लॉ भी आप इससे रिलेट कर सकते हो, ठीक है, थर्ड न्यूटन लॉ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन आई टोल्ड यू अबाउट द डिफरेंट प्रोपल्शन सिस्टम विच आर अवेलेबल फॉर द मिसाइल यू नो टेक्नोलॉजी। सॉलिड फ्यूल होता है, ठीक है, सॉलिड फ्यूल होता है, मोस्टली ये यूज होता है मिसाइल के अंदर। लिक्विड प्रोपल्शन होता है, हाइब्रिड होता है जहाँ पे हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, रैमजेट एक इंजन है बेसिकली, ठीक है, स्क्रैमजेट एक इंजन है बच्चों, इसका लास्ट मंडे को न्यूज आया था बहुत बड़ा, डीआरडीओ ने, आज मैं आपके लिए स्पेशली ऐड कर दिया है इसको, ठीक है, डीआरडीओ ने क्या किया है स्क्रैमजेट इंजन में। क्रायोजेनिक इंजन सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है बच्चों, ये बहुत ही फ्रोजन यू नो टेम्परेचर पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बर्न करता है और इससे एक मिसाइल को रेंज मिलती है, ठीक है, काफी ज्यादा रेंज मिलती है, और पेलोड कैपेसिटी यानी कि कितना भारी वजन का वो हथियार लेके जा सकती है, दोनों में बढ़ोतरी मिलती है, ठीक है। डिटेल में हम बात कर चुके थे सॉलिड प्रोपल्शन क्या होता है, एल्यूमिनियम पाउडर होता है, जनरली गन पाउडर होता है जो आपको दिख रहा है, लो मेंटेनेंस होता है इसका, एक बार जमा कर दिया मिसाइल आपको 5 साल बाद यूज लेना है, 10 साल बाद यूज लेना है, 15 साल बाद यूज लेना है, कोई दिक्कत नहीं, आप स्टोर करके रख सकते हो मिसाइल को, मेंटेनेंस बहुत कम रहता है इसमें, सेफ होता है ये, ठीक है। लिक्विड में क्या है, लीक हो जाएगा यार, ठीक है, आग वाग लग जाएगी, ठीक है, सड़ने वड़ने लग जाएगा मेटल वगैरह, तो सेफ होता है काफी। सॉलिड फ्यूल जनरली 90% मिसाइल्स के अंदर सॉलिड फ्यूल ही यूज होता है, ठीक है। लिक्विड फ्यूल के बारे में आपको बताया था, हाइड्रोकार्बन होते हैं इसमें, ठीक है, लिक्विड होता है फ्यूल जो पावर करता है, ठीक है, मिसाइल को, ठीक है। हाइब्रिड मैंने बताया, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अपन चालू करते हैं रैमजेट इंजन से बच्चों। रैमजेट इंजन बच्चों क्या होता है, रैमजेट इंजन तब काम आता है एक मिसाइल के अंदर, मिसाइल ऑलरेडी ऑलरेडी 2200-2300 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ रही है, ठीक है। आपने एक रॉकेट, एक सॉलिड फ्यूल है, आपने उसको बर्न करा और मिसाइल जल्दी से पहुंच गई स्पीड, इस स्पीड पे, ठीक है, Mach 3 की स्पीड पे पहुंच गई। उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसके बाद रैमजेट इंजन एक्शन में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है हवा का दबाव बहुत ज्यादा होता है स्पीड के ऊपर, ठीक है। जैसे अपन गाड़ी में कई बार जाते हैं तो अपन हाथ बाहर निकालते हैं तो आप फील कर सकते हो कितना फोर्स आपको लगता है आपके हाथ पे, ठीक है, और गाड़ी अपनी चलती है लगभग 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब आप सोचोगे जब 2200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होगी तो एयर कितने प्रेशर से यू नो इसके अंदर घुसेगी, ठीक है गाइस, एयर इतने अंदर प्रेशर से घुसेगी कि अंदर यहाँ पे इसको कंप्रेस कर देगा ये एयर को, ठीक है, ऑटोमेटिकली, बिकॉज एयर इज पुशिंग, बिकॉज द स्पीड इज वेरी हाई, ठीक है, और इस कंप्रेस्ड एयर को ये बर्न करेगा और उससे थ्रस्ट पैदा होगा। दिस इज द रैमजेट इंजन। ये टर्बोजेट इंजन है बच्चों जो आपके लगता है एयरक्राफ्ट के अंदर, जिसमें अपन बैठ के जाते हैं, कभी आप गए हो दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई या मुंबई से न्यूयॉर्क, पैसेंजर एयरक्राफ्ट में जो अपना इंजन होता है वो है ये बेसिकली। तो देखो यहाँ पे टर्बाइन्स लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, ये क्या घूमते हैं और ये हवा को कंप्रेस करते हैं और तब हवा कंप्रेस बर्न होती है और फिर हवाई जहाज टेक ऑफ कर पाता है, ठीक है। मगर रैमजेट में आप देखो ये सारा सिस्टम नहीं है क्योंकि हवा को कंप्रेस करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हवा को नेचर ही कंप्रेस कर रहा है कि हम इतनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं कि अपने आप हवा आके कंप्रेस हो रही है चैम्बर में, तो ये टर्बाइन वगैरह इसकी जरूरत नहीं होती, सिंपल होता है। हवा के
यू नो मूवमेंट से ही ये कंप्रेशन जनरेट करता है, मगर फिर इसका एक ड्रॉबैक भी है कि ये आइडल जीरो से काम नहीं करता, इसको एक ऑलरेडी स्पीड चाहिए 2200 किलोमीटर लगभग की, तब ये काम करता है, इट कंप्रेसेस द एयर एंड इट बर्न द एयर, ठीक है। ओके, आई होप यू गॉट माय पॉइंट, ठीक है। चलते हैं अपन स्क्रैमजेट इंजन, बच्चों स्क्रैमजेट में हमने बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी अभी यू नो हासिल करी है इंडिया ने, जो मैं बता देता हूँ आपको, इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल भी आया था, काफी न्यूज में रहता है ये, ठीक है, मंडे का आर्टिकल है, ठीक है। तो मैंने आपको देखो पढ़ाया था एक हफ्ते पहले, आपको पता है अपन फालतू में कोई टॉपिक यहाँ पे लेते नहीं, जो लेते हैं सब रेलेवेंट टॉपिक लेते हैं, ठीक है। आई न्यू अबाउट दिस प्रोग्राम इज यू नो वेयर इंडिया इज वर्किंग ऑन द स्क्रैमजेट, मगर मुझे नहीं पता था कि अगले मंडे को इसके बारे में एक बड़ा न्यूज आ ही जाएगा, ठीक है। और गाइस बड़ा न्यूज आ गया, डीआरडीओ ने सक्सेसफुली यू नो डेमोन्स्ट्रेट कर लिया हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, अब न्यूज में आ गया, वैसे भी इंपॉर्टेंट था न्यूज में आ गया तो आपके लिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो हाइपरसोनिक का मतलब आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज मूविंग बियॉन्ड द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। तो सेम इज द केस विद द स्क्रैमजेट इंजिन। तो गाइज वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्क्रैमजेट इंजिन एंड द रैमजेट इंजन, ठीक है। रैमजेट बच्चों रैम करता है, रैम मतलब धक्का देना, पुश करता है मतलब दबाता है, जो हवा आ रही है उसमें नेचुरली उसको कंप्रेस करता है, स्लो करता है हवा को, ऑब्वियसली 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हवा आ रही है तो उसको स्लो करेगा थोड़ा वो, और कंप्रेस भी हो जाएगी क्योंकि स्लो करने में कंप्रेशन ऑलरेडी हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्रेस करता है, मगर जो स्क्रैमजेट इंजन है आपका वो कंप्रेस नहीं करता, वो उसी सुपरसोनिक जो रफ्तार पे आपका मिसाइल उड़ रहा है उस रफ्तार पे जो एयर अंदर आ रही है उसको कंप्रेस नहीं करता, बल्कि डायरेक्टली सुपरसोनिक स्पीड पे ही उसको बर्न कर देता है। और गाइस इस बर्न करने से बहुत ही खास टेक्नोलॉजी, बहुत ही खास यू नो चीजें मिलती है, फायदे होते हैं इसके, कि आप बहुत ज्यादा स्पीड पे मिसाइल को क्रूज कर सकते हो, लगभग 7000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंचा देता है ये। इसको पहले एक इनिशियल थ्रस्ट चाहिए 2000-3000 किलोमीटर रफ्तार का, उसके बाद ये चालू हो जाता है अपने आप, फिर कोई जरूरत नहीं, अपने आप ये मिसाइल को 2000 से मार्क 6 यानी 6 गुना द स्पीड ऑफ साउंड की रफ्तार पे ले जाता है, लगभग 7000। यू कैन इमेजिन हाउ मैसिव इज द स्पीड, ओके, द मैसिव इज द स्पीड, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ओके, मतलब समझो आपने पलक झपकी की और मिसाइल 2 किलोमीटर ट्रेवल हो गई, सोचो आप, सब सोच रहे हो आप कितनी तेज मिसाइल यू नो जा सकती है इस टेक्नोलॉजी से। तो दिस मिसाइल टेक्नोलॉजी वी हैव डन डीआरडीओ, और इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि डीआरडीओ ने बनाया है। तो गाइज दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, हाइपरसोनिक मतलब हवा की आवाज की भी 5-6 गुना रफ्तार से ये मिसाइल को पहुंचा देगा। तो फायदे आपको पता है, ज्यादा रेंज कवर कर सकता है, ज्यादा पावरफुल मिसाइल बना सकते हैं हम लोग, ठीक है, मगर वही इसका प्रॉब्लम है, इसको एक इनिशियल थ्रस्ट चाहिए होगा रैमजेट इंजन की तरह, ठीक है, वेरियंट है रैमजेट का, बट ये एयर को कंप्रेस नहीं करता है, बस जिस स्पीड से एयर आ रही है उसी स्पीड पे बर्न कर देता है, और सिंपल हो गया, ठीक है। कंबशन टेक प्लेस एट द सुपरसोनिक एयर फ्लो, ठीक है, रैमजेट इंजन के बाहर तक उसका जो गेट है वहां तक सुपरसोनिक एयर फ्लो रहेगा, फिर वो अंदर उसको कंप्रेस कर देगा, स्लो कर देगा, लेकिन स्क्रैमजेट इंजन उसको स्लो नहीं करेगा, सुपरसोनिक स्पीड से हवा को अंदर लेगा और सुपरसोनिक स्पीड पे हवा को बर्न कर देगा और एक थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, इनकमिंग कंप्रेस नहीं करता है ये, ठीक है, हाई व्हीकल और रैमजेट जैसे करता है कंप्रेस, स्क्रैमजेट नहीं करता है, इसलिए बच्चों ये काफी एफिशिएंटली बर्न करता है फ्यूल को और हाई स्पीड अपने को प्रदान करता है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, छोटी सी भी दिक्कत हो तो फटाफट आप लिख सकते हो इन द कमेंट बॉक्स, ओके। सो दिस वॉज द बेसिकली द टेस्ट, ओके, आत्मनिर्भर इंडिया, बिल्कुल सही, आत्मनिर्भर इंडिया से आप कनेक्ट कर सकते हो, जो इंडियन एक्सप्रेस का जो आर्टिकल है, मंडे को हुआ था ये इवेंट। तो यस, सो दिस वाज अबाउट द हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, हमने अब साबित कर दिया कि हम हमारी मिसाइल्स को हाइपरसोनिक स्पीड तक भी ले जा सकते हैं, ठीक है, चलते हैं अपन आगे की तरफ, ठीक है। तो बच्चों फायदे इसके क्या है, हाँ आपको एक और बात बताता हूँ, हमारे सारे जो टेस्ट होते हैं मिसाइल्स के वो व्हीलर आइलैंड पे कंडक्ट होते हैं। व्हीलर आइलैंड का नाम बच्चों अब हो गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, ये आइलैंड आपको देखने को मिलेगा, बेसिकली जो अपना उड़ीसा है, उड़ीसा के कोस्ट से थोड़ा सा दूर है व्हीलर आइलैंड, जिसका नाम हो गया है अब एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। तो सारे मिसाइल के टेस्ट वेस्ट हम करते हैं यहीं पे करते हैं अधिकतर, ठीक है।
तो ये है व्हीलर आइलैंड पे इसका टेस्ट हुआ था, सक्सेसफुल हुआ है टेस्ट, मार्क्स 6 की स्पीड हमने अचीव कर ली इसके अंदर, इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, भारत में ही बनी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। कुछ बच्चों इसके नुकसान भी हैं, जैसे कि टेम्परेचर जो होता है इसके बीच में, अब देख रहे हो आप इतने हाई स्पीड पे बर्न हो रहा है फ्यूल, समझ लो इतनी हाई स्पीड बर्न हो रहा है, तो टेम्परेचर यहाँ का लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो 2500 डिग्री सेल्सियस को अगर अपने को टेम्परेचर ले जाना इतना हाई, तो इतना खतरनाक आपके पास मेटल होना चाहिए, इसका इंजन का स्ट्रक्चर होना चाहिए जो इतने खतरनाक टेम्परेचर पे विदस्टैंड कर पाए, इतने खतरनाक टेम्परेचर को झेल पाए, ठीक है, बियर कर पाए, ठीक है। सो दैट इज वाई द टेक्नोलॉजी कॉस्ट हैज बीन इंक्रीज्ड, जो टेक्नोलॉजी की कॉस्ट है बहुत महंगी पड़ती है, ठीक है। टेम्परेचर ज्यादा है तो ज्यादा मतलब इसमें इंजीनियरिंग लगेगी, ठीक है। थ्रस्ट टू वेट रेशियो बहुत ज्यादा है, मतलब काफी स्पीड प्रोवाइड करवा देता है, तो मिसाइल पूरी इतनी रिजिड होनी चाहिए, इतनी मजबूत होनी चाहिए, पूरा ढांचा मिसाइल का, सिर्फ इंजन ही नहीं पूरा ढांचा इतना मजबूत होना चाहिए कि वो इतनी खतरनाक स्पीड को, जो कि 7000 किलोमीटर है, पर खच्चे उड़ सकते हैं स्पीड पे अगर कोई नॉर्मल चीज चलेगी, ठीक है। तो मेटल होता है मिसाइल का जो पूरा कवर है, वो भी बहुत अच्छी हाई ग्रेड टेक्नोलॉजी से बना होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द HSTV टेस्ट, ओके। क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन व्हीकल पे। आई होप अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो कंफर्टेबली आप उसको एड्रेस कर दोगे, ओके। नाउ विल मूव टू द क्रायोजन टेक्नोलॉजी। सो बच्चों क्रायोजन टेक्नोलॉजी बहुत ही खतरनाक तरह की टेक्नोलॉजी है, इंडिया इसमें 2008 से बहुत कोशिश कर रहा है बनाने की, फाइनली हम अब बना चुके हैं इसका, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी में इसका यूज होता है, क्रायोजन टेक्नोलॉजी फाइनली आपके बेसिकली स्पेस रॉकेट्स में यूज होती है वैसे तो, ठीक है। मगर मैंने जैसे मेरे को बताया था, स्पेस रॉकेट को आप ऑर्बिट में ना भेज के, ठीक है, ऑर्बिट में ना भेज के किसी दूसरे दुश्मन मुल्क के किसी टारगेट पे भेज दो, तो स्पेस रॉकेट बन जाता है एक मिसाइल, ओके। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होता एक स्पेस रॉकेट के अंदर, ठीक है। स्पेस रॉकेट के अंदर ऊपर क्या होता है, पेलोड की जगह सैटेलाइट होती है, ठीक है, सैटेलाइट होगा, रोवर होगा, वो होगा, और यहाँ पे मिसाइल के अंदर पेलोड की जगह बॉम्ब होता है, ठीक है, बॉम्ब कैसा भी हो सकता है, न्यूक्लियर वगैरह। सो दिस इज द क्रायोजन टेक्नोलॉजी। सो क्रायोजन टेक्नोलॉजी इज द की टू इंक्रीज दट रेंज ऑफ द मिसाइल एंड द पेलोड कैपेसिटी, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें टेक्नोलॉजी का यूज होता है, दैट इज बिकॉज इट हैज द फ्यूल इज हाइड्रोजन स्टोर्ड एट -200 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्न होता है, और एक ऑक्सीडाइजर होता है जो होता है ऑक्सीजन, बिकॉज आपको पता है ऊपर जाके ऑक्सीजन नहीं मिलता है इतना एटमॉस्फेयर में, तो अच्छे से आपको बर्न करना है अगर हाइड्रोजन को। आपको पता है कि अपन कैंडल भी नहीं जलता है, बचपन में अपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि मोमबत्ती के ऊपर अपने कांच रख देते तो मोमबत्ती बुझ जाती थी, ठीक है, क्योंकि मोमबत्ती को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती थी, ठीक है। तो इसलिए हमने ऑक्सीजन इसके साथ भेजते हैं, ये भी ठंडे -200 डिग्री पे रहता है, तो आपको पता लग रहा है कितना मुश्किल है ठंडे टेम्परेचर पे सस्टेन करना। सो दैट वाइज द टेक्नोलॉजी इज वेरी डिफिकल्ट, बट दिस इज द क्रायोजन टेक्नोलॉजी। द फ्यूल इज हियर यूज्ड इज द हाइड्रोजन, और ऑक्सीडाइजर जो यूज होता है वो है ऑक्सीजन, और दोनों मिलते हैं ये कंबशन चेंबर के अंदर और बर्न करते हैं और थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज द क्रायोजन टेक्नोलॉजी, वेरी हाई एंड टेक्नोलॉजी, ओके। इससे टेक्नोलॉजी के आने के बाद हम ICBMs बना सकते हैं बहुत दूर तक, 15,000 20,000 किलोमीटर के रेंज की, और हम रॉकेट्स बना सकते हैं, तो 30,000 ऊपर ऑर्बिट के अंदर। आपको पता है इंडिया को अभी कोई बड़ा रॉकेट हम सैटेलाइट हमें लॉन्च करते हैं तो हमें फ्रांस की मदद लेते हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की मदद लेते हैं, ठीक है। अगर कोई बिग कम्युनिकेशन सैटेलाइट भारी 2-3-5 टन 6 टन का हमें छोड़ना है ऑर्बिट के अंदर, तो इसरो नहीं छोड़ पाता है, इसरो मदद लेता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी की। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के जो रॉकेट्स हैं, भारी रॉकेट्स हैं, हाईली एडवांस है, तो वो रॉकेट्स हमारी बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स को छोड़ते हैं, ठीक है। So we are not yet mastered, but we have almost, there to in the mastering of this technology. ठीक है, तो अपन मैं आपको बताता हूँ, दो तरह की मिसाइल होती है, मैंने क्लास के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। जो फर्स्ट कैटेगरी इज द बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, जो हमने ये बात करी थी, ये जो बात करा था आपको, ये होता है प्रपल्शन, मैंने आपको बताया कितने तरह के होते हैं, लिक्विड, सॉलिड, हाइब्रिड, रामजेट, स्क्रामजेट, ठीक है। ये आपको मैंने बताया था कि कितने तरह के आपके उसके सर्फेस टू सर्फेस हो सकता है, कहां पे कहां से जाएगी, कहां पे पहुंचेगी, ठीक है। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द वे, क्या रास्ता पकड़ेगी, किस तरह से ट्रेजेक्टरी जो मिसाइल का होगा वो क्या होगा। तो फर्स्ट मिसाइल इज योर बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसाइल, ये ही एक देश को
एक बहुत ही एडवांस कैटेगरी में छोड़ते हैं। तो बेसिक बैलिस्टिक मिसाइल्स में क्या होता है बच्चों, जो ट्रेजेक्टरी होती है वो आर्क लाइक होती है, जैसे एक आर्क होता है ना यूं, जैसे कि पैराबोलिक पाथ बोलता था, अगर मैं थोड़ी टेक्निकल टर्म करूं, जो पाथ होता है मिसाइल का वो बेसिकली पैराबोलिक होता है। पहले मिसाइल जाती है, हवा में उठती है, एटमोसफेयर की भी बाहर चली जाती है, और फिर ग्रेविटी के दबाव से, फिर ग्रेविटी के पुल से मिसाइल सीधा उस शहर पे अटैक करती है। जैसे मान लो इस शहर पे अटैक करना है, बी बी शहर पे, तो पहले स्पेस पे जाएगी मिसाइल, फिर स्पेस से डाइव लगाएगी, गोता लगाएगी, सीधा अटैक करेगी पॉइंट बी पे। तो दिस इज द बैलिस्टिक मिसाइल। न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करती है बेसिकली, ये बड़ी मिसाइल होती है, जैसे हमारी अग्नि मिसाइल है, ठीक है, पृथ्वी मिसाइल्स है, वो बैलिस्टिक मिसाइल्स है। हाईली वेट इनका बहुत ज्यादा होता है, हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी इनमें यूज होती है, ठीक है, ग्रेविटी के माध्यम पे ये डिपेंड करते हैं, डाइव लगाते हैं, मैंने बोला ऊपर जाती है मिसाइल, फिर गिरती है नीचे आके ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। काफी रेंज कवर कर सकते हैं, गाइड आप कर सकते हो, बट बहुत ही थोड़ा कम चांस रहता है कि हल्का फुल्का टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हो आप इसको, पर ज्यादा आप नहीं इसको घुमा रहे हो, मजे मजे ले रहे हो, हवाई उड़ा रहे हो हवा के अंदर, जैसे कि अपन क्रूज मिसाइलों कर सकते हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं इसमें, तो बहुत कम मनोवरेबिलिटी होती है। मगर बैलिस्टिक जो मिसाइल होती है वो एक पैराबोलिक पाथ ट्रैवल करती है। सो बैलिस्टिक मिसाइल इज योर फर्स्ट कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी इज योर क्रूज मिसाइल्स। क्रूज मिसाइल्स आर ऑलरेडी टोल्ड यू, द ब्रह्मोस मिसाइल ऑफ इंडिया, द निर्भया मिसाइल ऑफ इंडिया इज द क्रूज मिसाइल्स, एंड हेयर यू कैन सी द टोमाहॉक मिसाइल। टोमाहॉक मिसाइल बच्चों दुनिया में सबसे खतरनाक तरह की क्रूज मिसाइल है। बनाता कौन है? ऑब्वियसली यूएसए बनाता है ये मिसाइल, और काफी सबसे इसका एग्जाम्पल दिया जाता है, ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक है, टोमाहॉक मिसाइल जो यूएसए की है, तो उसका फोटो मैं लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है। तो बेसिकली फर्क ये होता है कि बैलिस्टिक मिसाइल आपको पता है आर्क फॉर्म में जाती है, और क्रूज मिसाइल जाती है जिगजैग, कहीं पे भी जाके एक जैसे एक नॉर्मल अपना प्लेन फ्लाई करता है, समझ लो आप एयरप्लेन ही है ये, समझ लो आप ड्रोन ही है ये, पायलट नहीं है इसके अंदर, काम ये है इसका क्रैश लैंडिंग करना जो इसका टारगेट है, सिंपल तरह से समझ लो आप, क्रूज मतलब समझ लो कैसे भी जा सकता है ये, जैसे एक एयरप्लेन हवा में उड़ता है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि ये ऐसा जाएगा, ओके, कैसे भी जा सकता है, ओके। जनरली बच्चों ये जो जमीन है उससे बहुत ही कम हाइट पे उड़ता है, क्योंकि अगर आप जमीन से कम हाइट पे उड़ रहे हो, मान लो ये पहाड़ है, ये वैली है, ठीक है, ये प्लेटू है, ये प्लेन आ गया, और ठीक है, और यहाँ पे आपका लगा है रेडार, ठीक है, रेडार लगा हुआ है, तो रेडार क्या है, ऊपर की चीजों को पकड़ता है, ठीक है, ऊपर की चीजों को पकड़ता है, तो कोई भी चीज अगर जमीन से बहुत चिपक के चल रही है, समझ रहे हो, बहुत चिपक के चल रही है, तो उस चीज को रेडार नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है, रेडार नहीं पकड़ पाएगा, मान लो मिसाइल ऐसे से चल रहा है, ठीक है, तो इसका बहुत खास होता है कि ये क्रूज मिसाइल्स जो डिटेक्शन होता है इसका वो बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। देखो आप, ये रेडार की रेंज से ही पूरा बाहर चला गया, नीचे रह गया, ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज टेरेन हगिंग, जमीन को गले लगा के मिसाइल चलती है ये, ओके। कन्वेंशनल वॉरहेड ज्यादातर इसमें यूज करते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर वॉरहेड हम ज्यादा यूज नहीं करते, कन्वेंशनल वॉरहेड हम ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कि अपना आरडीएक्स हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम वगैरह हो गया, सिंपल इसका मैकेनिज्म रहता है, सबसोनिक भी हो सकती है ये, सबसोनिक जो है हमारी वो है निर्भया मिसाइल, वो आवाज की रफ्तार से कम चलती है, सुपरसोनिक है हमारी ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है, तो आवाज की रफ्तार से तेज चलती है, सेल्फ नेविगेशन होता है बेसिकली, आप उड़ा भी सकते हो उससे चाहे तो, डायरेक्शन इसका चेंज भी कर सकते हो, तो ब्रह्मोस मिसाइल, द निर्भया मिसाइल आर द एग्जाम्पल ऑफ दीज मिसाइल्स। तो लेट्स मूव टू द कोर पार्ट, दैट इज द पार्ट टू ऑफ द मिसाइल प्रोग्राम्स। नाउ वी विल टेक इंडिविजुअल मिसाइल, हम एक एक मिसाइल को पकड़ के हम आपको समझाएंगे कि क्या उस मिसाइल की टेक्नोलॉजी है, क्या फीचर्स हैं, ठीक है, क्या कैसे बना वो मिसाइल, ठीक है। सो द मेजर मिसाइल्स आपको पता ही होगा, अग्नि है हमारा एक, पृथ्वी है, निर्भया है, ओके, ब्रह्मोस है, और काफी मिसाइलें नाग वगैरह जो सारी हम बात करेंगे। एसैट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लास्ट ईयर हमने एंटी सैटेलाइट ऐसा मिसाइल बना चुका है इंडिया की जो दूसरे दुश्मन देश की सैटेलाइट को जाके भी हवा से गिरा सकता है, ठीक है, दैट इज द एसैट मिशन, डिटेल में कवर करने वाले हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग के क्वेश्चन इसमें आ जाएगा, क्योंकि एसैट वगैरह लेटेस्ट है, और मिसाइल से यूपीएससी क्वेश्चन पूछते ही रहता है हर ऑल्टरनेट साल के अंदर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, ओके, सो दिस इज द अग्नि 1 2 3 4, 1 2 3 4 में ये रेंज उनकी बढ़ती जाती है, बाकी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ अभी क्या है ये, ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ओके,
बिकॉज दिस मिसाइल प्रोग्राम इज द बेडरॉक. जितनी भी मिसाइल है आज हमारे पास, पृथ्वी हो गई, आकाश हो गई, नाग मिसाइल हो गई, त्रिशूल हो गई, अग्नि हो गई, ओके, इनका जो बेडरॉक है, जो बेस है, इन सबकी शुरुआत कहां से हुई? IGMDP से हुई थी गाइस. दैट इज योर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम. हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद के नेतृत्व में ये हमने प्रोग्राम चालू किया था इन द ईयर ऑफ 1982-83 के अंदर. हमने ये प्रोग्राम को चालू किया था. इंदिरा गांधी इससे पहले वो प्राइम मिनिस्टर थी. काफी सारे टेक्नोलॉजीज हम डेमोन्स्ट्रेट कर सके थे. फाइनल हमें लगा कि हमें एक मिसाइल प्रोग्राम बनाना चाहिए. इंडिया का खुद का मिसाइल प्रोग्राम होना चाहिए और इंडिया किसी दूसरे देश पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए मिसाइल के लिए, क्योंकि मिसाइल एक वाकई में एक कंट्री का बहुत ही पावर पावर डिस्प्ले का या उसका एक सॉफ्ट पावर या उसका मिलिट्री के तौर पे हार्ड पावर कितना है वो डेमोन्स्ट्रेट करती है. सो दैट्स व्हाई दिस प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड. काम इसका ये था कि बेहतरीन, दुनिया की बेहतरीन मिसाइल्स बनाना, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, नए नए एक्सपेरिमेंट करना, नई नई चीजों को खोजना और फाइनली इंडिया को सेल्फ केपेबल बनाना. बच्चों लगभग 30 साल तक ये एक्सपेरिमेंट चला, ये मिशन चला डॉक्टर अब्दुल कलाम के नेतृत्व में और इसका नतीजा आपके पास आज है. पृथ्वी मिसाइल, आकाश मिसाइल, नाग मिसाइल, त्रिशूल मिसाइल और अग्नि मिसाइल. सो यू कैन सी हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस मिसाइल प्रोग्राम. मेंस पे खासतौर पे आपको क्वेश्चन आ सकता है उसके ऊपर कि हमको एक नए इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 2.0 की जरूरत है या नहीं है, कैसे है, ठीक है, कैसे हम चाइना से और बाकी देशों से अभी काफी स्कोप है कवर करने का. सो मेनी क्वेश्चन कैन कम एंड ऑब्वियसली यू कैन यूज दिस प्रोग्राम इन योर SNT आंसर्स. ठीक है, तो इसमें जो हेडिंग एजेंसी थी, जो नोडल एजेंसी थी, वो थी आपकी DRDO. ठीक है, 2008 के अंदर ये प्रोग्राम खत्म हो गया, पर खत्म होने से पहले ये हमें काफी सारी चीजें देके गया. सो आई होप यू गॉट द क्रक्स अबाउट द IGMDP इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम. ओके, यस, वो PDFs आपको मिलेगा. ठीक है, PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे. संजॉय, नो नीड टू वरी, आई विल गिव द PDF, कोई दिक्कत नहीं है. पर आप अपना भी नोट्स बनाते रहो, क्योंकि ऑब्वियसली व्हाट आई स्पीक इन द क्लास एड्स अ वैल्यू टू द PDF. ठीक है, तो PDF तो है ही, प्लस जो मैं बोलता हूँ क्लास में वो आपको लिखना चाहिए. तो इसके अंदर हमने बेसिकली ट्राई किया शॉर्ट सरफेस रेंज मिसाइल का. आप अभी कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज हो जाओगे, आप दिमाग मत लगाओ, बस आप याद रख लो पृथ्वी हमने बनाई है, त्रिशूल बनाई है, आकाश बनाई है, नाग मिसाइल बनाई है. ठीक है, अग्नि वन हमने मिसाइल बनाई थी इसके अंदर, मगर अग्नि मिसाइल सीरीज को हमने बहुत ही इंपॉर्टेंस है बच्चों, क्योंकि ये ICBM आता है हमारा, लॉन्ग रेंज हम किसी मिसाइल से अगर हिट करना चाहें. कल हमारा चाइना, सबको बताया एक दिन बाद खराब हो रही है, तो कल हमें यूज करना है चाइना के किसी भी प्रॉपर हमें बड़े सिटी या बड़े उसके आर्मी के हेडक्वार्टर को या कोई मिलिट्री बेस को टारगेट करना है, तो अग्नि मिसाइल ही कर पाएगा, क्योंकि अग्नि मिसाइल की रेंज ही है उत्ता के वो हिमालयस को लांग कर उस साइड जाके अटैक कर पाए. तो अग्नि मिसाइल की हमने जरूरत को समझा. ओके, अग्नि वन हमने प्रोग्राम IGMDP के अंदर बनाया, पर बाद में हमने इसको अलग कर दिया, क्योंकि वी वांटेड टू डेवलप द अग्नि मिसाइल प्रोग्राम एज अ डिफरेंट प्रोग्राम, एज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम. तो हमने इसे IGMDP से अलग कर दिया, मगर इसका जो बीज है, जो उसका रूट है, वो आपको IGMDP में आया. तो एक द क्वेश्चन कम्स इन द प्रीलिम्स, क्वेश्चन मान लो प्रीलिम्स में आ जाए कि हमने कौन कौन सी मिसाइल्स IGMDP में बनाई है, तो आपको ये सारी मिसाइल याद होनी चाहिए. ठीक है, आकाश, नाग और यही सारी मिसाइल्स है जो इंडिया की बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल्स है. ठीक है, आज हम अग्नि, पृथ्वी और नाग को कंप्लीट कर लेंगे, वी विल कवर द. सो लेट्स कम टू द अग्नि मिसाइल. द सबसे इंपॉर्टेंट मिसाइल, सब वेरी इंपॉर्टेंट मिसाइल एंड द मोस्ट हाईली टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड, रेंज जिसकी सबसे ज्यादा है, न्यूक्लियर वेपन्स के लिए जिसको हमने डिजाइन किया है, ICBM जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो हमारी है, इकलौती सिर्फ एक मिसाइल है हमारी जो है ICBM. ओके, दैट इज द अग्नि 5 एंड द अग्नि 6. ठीक है, इन मिसाइल्स के बारे में बच्चों मैं आपको ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ज्यादा इसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन अभी पब्लिक डोमेन के अंदर है भी नहीं. अग्नि 6 तो अभी पूरा डेवलपमेंटल फेज के अंदर है, और अग्नि 5 के ऊपर भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं. जितनी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, एक्यूरेट है,
जो यू नो पब्लिकली एक्सेसिबल है वो सारी आपको बता दी जाएगी, ठीक है। सो अग्नि 5 बच्चों हमारी सबसे इंपॉर्टेंट मिसाइल है बिकॉज इट हैज वेरी मच यू नो गुड टेक्नोलॉजी एंड यू नो गुड ग्रेट टेक्नोलॉजी, सबसे हाई, सबसे यू नो ब्रह्मास्त्र कह सकते हो आप इसको, इंडिया मिसाइल आर्सेनल का, ठीक है। डीआरडीओ ने बनाया है, इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, ठीक है, एंड ऑल दीज थिंग्स। टेक्नोलॉजी बच्चों ज्यादा क्या शेयर नहीं करता कोई कंट्री मिसाइल के अंदर, क्योंकि आपको पता है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम एक यू नो ग्रुप है वर्ल्ड का, और इसके मेंबर हम क्या है अभी 1-2 साल पहले ही बने हैं, ठीक है। तो हमारे से क्या है ज्यादा कंट्रीज ने, जो रशिया था बेसिकली हमारा जो दोस्त था सबसे अच्छा, वो हमसे चाहता था मिसाइल टेक्नोलॉजी शेयर करना, मगर हम उस टाइम पे MTCR के मेंबर नहीं थे, ठीक है। तो रशिया भी हमारे साथ शेयर नहीं कर पाया। यू नो मिसाइल प्रोग्राम जो इंडिया का है वो मोस्टली आपको इंडिजीनियस ही मिलेगा, ठीक है। तो अग्नि मिसाइल आपकी भारत में बनी हुई एक मिसाइल है। लेट्स कम टू द मिसाइल इटसेल्फ। ओके, सो अग्नि मिसाइल हैज बीन डिवाइडेड इनटू मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, मीडियम रेंज है इन मिसाइल्स की, ठीक है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स है आपके, एंड द इंटरकॉन्टिनेंटल सबसे हाइएस्ट रेंज वाली मिसाइल द ICBM, ठीक है। जो अग्नि 1 है वो छोटी मीडियम दूरी तक मार कर सकती है। अब आप बोलोगे सर मीडियम है, शॉर्ट कहाँ पे है फिर? तो शॉर्ट बच्चों आपकी है पृथ्वी मिसाइल, ठीक है। मैंने जैसा आपको बताया अग्नि बहुत ही एडवांस मिसाइल है, हाई रेंज है, बड़ा ब्रह्मास्त्र है, तो चालू ही होती है 700 किलोमीटर रेंज की। अगर 700 किलोमीटर रेंज के कम में हमें अटैक करना है तो हम फिर पृथ्वी मिसाइल का यूज करेंगे, अग्नि मिसाइल का यूज नहीं करेंगे। जो शुरुआत होती है अग्नि मिसाइल की, दैट इज द अग्नि 1 मिसाइल विच वॉज एक्चुअली डेवलप्ड अंडर द इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। वो जो मिसाइल है अपनी उसकी रेंज ही चालू होती है 700 से 1200 किलोमीटर, ठीक है। फिर अग्नि 2, 3, 4 आपकी इंटरमीडिएट मतलब बीच की, ना मीडियम ना लॉन्ग, लगभग बीच की रेंज है इसकी इन मिसाइल्स की। आपको एग्जैक्टली याद नहीं रखना है 1200, 700, इतना मत करो बच्चों, थोड़ा आइडिया रखो कि इसका ना 700 से 1000 है, बाकी 2, 3, 4 का फिर 2500 के आसपास है, ठीक है। इनका रेंज जो है वो आपका 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है। अग्नि 5 एंड अग्नि 6 बच्चों ब्रह्मास्त्र में भी हमारा ब्रह्मास्त्र है। दीज आर द ICBMs, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिस मिसाइल की भी रेंज 5000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर से ज्यादा होती है, वो मिसाइल को हम कह सकते हैं ICBM, ठीक है। चाहे वो कोई सी भी मिसाइल हो, फिर दुनिया ने के किसी भी देश ने बनाई हो, अगर उसकी मिस्टेक रेंज जो है, बच्चों सिंपल चीजें हैं, कंफ्यूज मत हो, मैं आपको सिंपल करके बता रहा हूँ तो उतना ही आपको याद रखना है। अगर रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है तो वो सिंप सीधी तरह से उसको आप कह सकते हो ICBM, इंटरकॉन्टिनेंटल, दो कॉन्टिनेंटल को, कॉन्टिनेंट्स को पार करके भी ये दुश्मन देश के टेरिटरी में जाके अटैक कर सकती है, ठीक है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अग्नि 6 इज इन द डेवलपमेंटल फेज, डेवलपमेंटल फेज के अंदर है, इसकी रेंज होगी लगभग 10,000 किलोमीटर से 12,000 किलोमीटर, ओके। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द यू नो वैल्यू एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द अग्नि 6 मिसाइल। अग्नि 5 मिसाइल की जो रेंज है बच्चों वो है 5000 से लेके 8000 किलोमीटर। 5000 से है तो आई ऑटोमेटिकली वो ICBM की कैटेगरी में आ गई है, ठीक है। अग्नि 1 से लेके 4 तक हम ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुके हैं, मैंने जैसा को बताया, फिर 5 और 6 अभी चल रहा है, R&D और इंप्रूवमेंट चल रहा है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स है, ये सरफेस से जाएगी, यू नो इंडिया के एक सरफेस से जाएगी, दूसरे कंट्री के लैंड एरिया को डिस्ट्रॉय करेगी, ठीक है। मैंने आपको बताया था अग्नि 1 जो बनी है आपके IGMDB प्रोग्राम के अंदर, इसके बाद हमने इसको अलग कर लिया था 1989 के अंदर, हमने बना दी थी अग्नि 1 मिसाइल, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट होता रहा उस पे और आज हम अग्नि 6 पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। एक और बात आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, हल्का सा आपको याद रखना है कि जो आपके अग्नि 4 है, अग्नि 4 और जो अग्नि 5 है, एक हाईली एक्यूरेट रिंग लेजर जायरो बेस्ड यू नो नेविगेशन सिस्टम का यूज करते हैं और माइक्रो नेविगेशन सिस्टम का भी यूज करते हैं, जो कि इसको एक प्रिसिशन देता है, एक सटीक मारक क्षमता देता है, ओके। सो दिस इज थिंग यू कैन रिमेम्बर। गाइस लेट्स मूव फॉरवर्ड। MIRV आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपको अभी स्क्रैमजेट न्यूज में आया है, आपके हमने किया है इसके अंदर, ऐसे ही गाइस IMRV इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी अंडर द अग्नि 6 मिसाइल, कभी भी आपके न्यूज़पेपर में आ सकता है ये MIRV, फिर आपको समझ नहीं आएगा, बोलोगे सर ने पढ़ाया नहीं, तो मैं आपको पहले ही पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल ऐसी चीजें UPSC के लिए परफेक्ट है, पूछने के लायक, ठीक है। अग्नि 5, 6 तो सबको पता है, मगर MIRV नहीं पता होगा MIRV क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों थोड़ा ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, थोड़ा
समझ में भी आपको हो सकता है डिफिकल्टी हो, तो ध्यान पूरा यू नो चैटिंग से हटा के अब स्क्रीन पे ले आओ आप लोग। तो गाइस MIRV एज यू कैन सी इज द मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। दिस टेक्नोलॉजी वी हैव यूज्ड इन द अग्नि 6 मिसाइल, जो अग्नि 6 मिसाइल है उसके अंदर में MIRV टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं। MIRV टेक्नोलॉजी बच्चों क्या होता है, आपको जैसे मैंने बताया एक बैलिस्टिक मिसाइल का पाथ होता है वो होता है पैराबोलिक, ठीक है, मतलब एटमॉस्फेयर के ऊपर चला जाता है मिसाइल, पहले स्पेस के अंदर चला जाता है, फिर वो गोता मारता है, दोबारा डाइव मारता है, एटमॉस्फेयर के अंदर आता है दोबारा, और जो अटैक जो टारगेट है उसका, मान लो एक्स टारगेट है, एक्स कोई सिटी है, ठीक है, इस टारगेट के ऊपर अटैक करता है, ठीक है। तो गाइस व्हाट दिस MIRV टेक्नोलॉजी इज यू नो capable of, ये जो टिप होता है न्यूक्लियर मिसाइल का, जो यू नो ऊपर का एरिया होता है, उसमें मल्टीपल वॉरहेड्स लगे होते हैं, समझ लो आप, एक ही वॉरहेड नहीं होगा, एक मिसाइल के अंदर समझ लो 12 मिसाइल आपने लगा दिए, ठीक है, जो टिप है उसका आप देख सकते हो, कई सारे छोटे छोटे इसमें छोटे छोटे मिसाइल और लगे होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है एक ही मिसाइल है। एंड गाइस व्हाट इज दिस मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल, इंडिपेंडेंटली आप इनको टारगेट कर सकते हो, मतलब सिटी एक्स है उसके पास एक आर्मी का यू नो बेस है वाई, ठीक है, सिटी एक्स के पास एक छोटा सा शहर है, ठीक है, जैसे दिल्ली के पास गुड़गांव है ऐसा कोई शहर है, जेड शहर, ठीक है, यहाँ पे कोई उसका यू नो कोई और इम्पोर्टेंट चीज हमको डिस्ट्रॉय करना है, तो हम मल्टीपली यू नो इंडिपेंडेंटली टारगेट कर सकते हैं, जैसे 1 यहाँ पे जाएगा, 2 यहाँ पे जाएगा, 3 यहाँ पे जाएगा, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो मिसाइल 1 लॉन्च हुई, 2 पहुंची, 3 पहुंची, 4 पहुंची, और 5 पे वो डिसइंटीग्रेट हो गई मिसाइल, ठीक है, और जगह जगह उसने अटैक कर दिए जाके, ओके। सो दिस इज कॉल्ड द मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री। री एंट्री मतलब जो दोबारा ये एटमोस्फेयर के अंदर री एंटर करता है, दिस इज द फेज ऑफ री एंट्री, ओके, री एंट्री का ये वाला फेज होता है आपका। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फायदे इसके आप मत पूछना कि सर इसके फायदे क्या हैं, फायदे इसके ये तमाम हैं, बहुत सारे हैं। पहला फायदा तो आप देख लो, मल्टीपल टारगेट्स को आप अटैक कर सकते हो, एक मिसाइल पर टारगेट कई सारे, 12 से लेके 14 15 कितने भी जितने वॉरेंट हैं इस मिसाइल के अंदर, उतने टारगेट्स आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो एक मिसाइल से। दूसरा फायदा, मान लो कोई मिसाइल इसको डिस्ट्रॉय करने आ रहा है और ये मिसाइल एक की जगह 12 चीजों में कन्वर्ट हो जाए, समझ रहे हो, तो दूसरा जो इसको मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने आ रहा है तो वो बहुत कम चांस है कि 12 के 12 वॉरहेड्स को वो डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, तो एक तरह से श्योर शॉट आपको गारंटी देता है कि टारगेट को डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। मल्टीपल टारगेट है आपके 12 के 12 जो मल्टीपल वॉरहेड्स हैं, ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। सो दीज ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ द MIRV टेक्नोलॉजी, एंड MIRV टेक्नोलॉजी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द अग्नि 6 मिसाइल, जो अग्नि 6 मिसाइल है उसके अंदर हमने ये टेक्नोलॉजी को यूज करा है। फायदे तो बता दो, फायदे मैंने बता दिए कि यू नो एक की जगह आप 12 को टारगेट्स, कई सारे टारगेट्स को आप यू नो डिस्ट्रॉय कर सकते हो, और कोई मिसाइल अगर इसको डिस्ट्रॉय करने आ रही है तो बढ़ जाएगा ये, और डिस्ट्रॉय खुद नहीं होगा, डिस्ट्रॉय करना मुश्किल है इसको, ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल से इसको डिस्ट्रॉय करना बहुत काफी मुश्किल है, ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट। हाउ कैन वी टॉक अबाउट एनुअल क्लासेस एंड देयर फीस, आप मुझे मेल कर देना अगर ऐसी पर्सनल बात आपको करनी है, और कोई इस प्रॉब्लम हो तो आप फटाफट लिख सकते हो। लेट्स मूव टू द पृथ्वी मिसाइल, अगर MIRV में, ओके बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है इस पे क्वेश्चन बनता है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा तो मल्टीपल चॉइस में आ जाएगा, 1 2 3 स्टेटमेंट है तो थर्ड स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया MIRV के ऊपर, ठीक है, सो आई होप यू शुड रिमेंबर द कंसेप्ट, ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो फटाफट पूछ लो, 5 सेकंड में दे रहा हूँ, 2 घूंट पानी के पी लेता हूँ जब तक। दादा अपने वो साइंटिस्ट बनना नहीं है, बाकी अब्दुल कलाम बनने की कोशिश मत करो, ठीक है, बाकी जितना समझाया उतना समझ में आ गया तो ठीक है, उससे ज्यादा यू नो नहीं है जरूरत एग्जाम के लिए, आपको IAS IPS बनना है, कोई मिसाइल साइंटिस्ट नहीं बनना है, ओके गाइस, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द पृथ्वी मिसाइल, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसाइल्स इन आर आर्सेनल, जो हमारा यू नो हथियारों का जखेड़ा है, फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया इज द अग्नि मिसाइल, सेकंड इज द पृथ्वी मिसाइल। पृथ्वी मिसाइल आपको जनरली दिखेगा शॉर्ट रेंज के लिए दिखेगा आपको ना, इनकी रेंज आपको ज्यादा नहीं मिलेगी, ठीक है, बेसिकली न्यूक्लियर वॉरहेड वैसे कैरी कर सकती है, मगर ये बेसिकली हमारे टैक्टिकल वेपन है, टैक्टिकल वेपन मतलब बेसिकली इनमें न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं होगा, छोटा मोटा RDX वगैरह यू नो बारूद वगैरह होगा जो कि आपके छोटे मोटे टारगेट्स को उड़ा सके, ओके।
सर गुड इवनिंग, टुडे इज माय हाउ मेनी चैप्टर्स आर कंप्लीट ऑफ योर क्लासेस सर, हाउ कैन आई प्रिपेयर इट। ठीक है, आप एक बार क्लास को शुरू से देख लेना, मदन शर्मा, तो आपको शेड्यूल दिख जाएगा। ठीक है, क्लाइम क्लास के टाइमिंग 5 बजे है। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द पृथ्वी मिसाइल्स। तो पृथ्वी मिसाइल्स मैं आपको बता दिया, थोड़ा इंट्रो दे दिया है मैंने, अगेन सर्फेस टू सर्फेस। ठीक है, आप बच्चों इतना समझ लो, पृथ्वी छोटा भाई है। ठीक है, पृथ्वी का छोटा भाई है किसका? अग्नि का। ये पृथ्वी छोटा भाई किसका है बच्चों? अग्नि का है। ठीक है, बस ज्यादा फर्क नहीं है, सिंपल है, छोटा भाई है अग्नि का, सरफेस टू सरफेस है। ठीक है, सरफेस टू सरफेस मतलब बेसिक सरफेस से सरफेस मारक क्षमता है। शॉर्ट रेंज बेसिक रेंज होता है, अग्नि का छोटा भाई है तो छोटी रेंज को कवर करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, यू नो अग्नि मिसाइल स्टार्ट विद द मीडियम रेंज। ठीक है, स्टार्ट ही इसकी होती है मीडियम रेंज से, तो शॉर्ट कहां पे गई? तो शॉर्ट यहां पे। ठीक है, छोटी दूरी पे भी तो हम किसी को मार सकते हैं, कोई जरूरत पड़ सकती है ना कोई, तो वहां पे हम पृथ्वी मिसाइल का यूज ले सकते हैं। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये, आपका आईजीएमडीपी के अंदर डेवलप हुआ है। तीन तरह के मिसाइल बेसिकली बच्चों, जैसे अग्नि में हमने 6 तरह के मिसाइल हमने बना दिए हैं, इसके अंदर हमने सिर्फ 3 तरह के हैं, दैट इज द पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3 मिसाइल। ठीक है, 2 स्टेज आपका बेसिकली सॉलिड फ्यूल। बच्चों सॉलिड फ्यूल आपको यू नो अधिकतर यूज में रहता है। ठीक है, लिक्विड फ्यूल भी होता है बट सॉलिड फ्यूल अधिकतर यू नो यूज में रहता है। अग्नि अग्नि में कहीं पे भी हम यू नो लिक्विड फ्यूल यूज नहीं करते हैं। ये स्टेटमेंट पर्टिकुलरली आपके यूपीएससी में पूछ लिया गया था 2-3-4 साल पहले कि अग्नि मिसाइल के अंदर फ्यूल सॉलिड फ्यूल यूज होता है क्या, वो था सही स्टेटमेंट। ठीक है, तो सॉलिड फ्यूल यूज होता है, सॉलिड फ्यूल मैंने बताया एल्यूमिनियम पाउडर होता है बेसिकली। तो पृथ्वी 1, 2, 3 है। ठीक है, पृथ्वी का हम एक नेवल वेरियंट भी बना चुके हैं। ठीक है, कि जो कि शिप से भी आप लॉन्च कर सकते हो। ऑब्वियसली शिप भी एक यू नो जरूरत पड़ सकती है शिप को भी, कि दूसरे शिप को डिस्ट्रॉय करना हो या शिप से हमें कोई अटैक करना हो किसी लैंड एरिया में, तो उस वेरिएंट को होती पृथ्वी मिसाइल ही है, पर थोड़ा बहुत चेंज करके हमने थोड़ा एक नया वेरिएंट बना दिया, दैट इज द धनुष मिसाइल। पृथ्वी मिसाइल को अगर शिप से आप लॉन्च कर रहे हो, दैट इज द नेवल वेरिएंट। ठीक है, नेवल वेरिएंट ऑफ द पृथ्वी मिसाइल, दैट इज योर धनुष मिसाइल, नेवल वर्जन ऑफ द पृथ्वी विच कैन बी यूज फ्रॉम द ships, okay? पृथ्वी 2, पृथ्वी 3 को बेसिकली हम यूज कर सकते हैं। सरफेस टू सरफेस तो होता ही है, पृथ्वी और धनुष आ गई, तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, पृथ्वी मिसाइल है लेकिन सिर्फ हमने लॉन्च कहां से कराया, उसको नेवी के किसी शिप या जहाज से हमने लॉन्च करा है। जैसा कि मैंने बताया, कन्वेंशनल वॉरहेड और न्यूक्लियर वॉरहेड आप दोनों ही रख सकते हो उसके अंदर। न्यूक्लियर वॉरहेड जनरली हम नहीं रखते हैं, अग्नि के अंदर ही हमें जरूरत पड़ता है। ठीक है, बेसिकली इसका एग्जाम छोटे एरिया को मारक क्षमता में हम इसको यूज लेते हैं। 500 से लेके 1000 किलो का ये वजन का वॉरहेड ले जा सकता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द पृथ्वी मिसाइल। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आई वांट टू टेल यू अबाउट द पैड सिस्टम एंड द एएडी सिस्टम। ठीक है, राइट, जैसे मैंने आपको बताया, एक मिसाइल को दूसरा मिसाइल भी डिस्ट्रॉय कर सकता है हवा के अंदर ही। हवा के अंदर ही एक यू नो मिसाइल को दूसरा मिसाइल भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो दैट इज कॉल्ड द बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। मान लो हमारा शहर है दिल्ली शहर है, मान लो दिल्ली शहर पे यू नो पाकिस्तान मिसाइल अटैक कर दे, अग्नि मिसाइल उसके पास भी है, बाबर मिसाइल है उसके पास, बाबर मिसाइल रखा है उसने नाम, देखो कैसा मतलब देश है, बाबर मिसाइल रखा है अपनी मिसाइल का नाम, कौन बैलिस्टिक मिसाइल का नाम उन्होंने, बाबर क्यों रखा है बच्चों नाम, क्योंकि बाबर हिंदुस्तान पे आके उसने राज अपना कायम किया था, सो दैट्स व्हाई यू नो पाकिस्तान ऐसे बेवकूफ भरे काम करता रहता है, बाबर मिसाइल रख रखा है नाम, गजनी मिसाइल का नाम रख रखा है, गौरी मिसाइल का नाम रख रखा है। ऑब्वियसली वो इंडिया को चढ़ाता है इससे कि देखो हमारे पास ऐसी मिसाइल्स है, बाबर, गौरी, यू नो गाजी, ये सब इंडिया में आए थे और उन्होंने इंडिया को अपना गुलाम बना लिया था, इंडिया को यू नो हराया था, तो इस तरह से पाकिस्तान ऐसे यू नो बचकाने काम करता रहता है, बाबर वाबर, मगर हमें डरने की जरूरत नहीं बच्चों, क्योंकि हमारे पास है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑल्सो। दिस सिस्टम ऑलरेडी बीन एम्प्लॉयड यू नो दिल्ली के अंदर, जो आपका NRC है, नेशनल रीजन, ओके, नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, ओके, जो दिल्ली है वहां पे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ज्यादा मुझे इस साथ इन्फॉर्मेशन है नहीं बच्चों, क्योंकि मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैं एक एजुकेटर हूँ, तो जितना मुझे पता है मैं आपको बता देता हूँ, बट ये काफी न्यूज में है BMD, दैट इज द बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। क्या क्या हो अगर पाकिस्तान हम पे मिसाइल लॉन्च कर दे दिल्ली पे, वो सोचे दिल्ली को ही खत्म कर देता हूँ मैं, पार्लियामेंट वगैरह, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सारी पॉपुलेशन, सबको अटैक कर देता हूँ एक साथ, तो गाइस हमें डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव द बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। और यहाँ पे भी पृथ्वी मिसाइल जो है वो हमारे बहुत काम आती है, दैट इज वाई इट हैज बीन क्रिएट नेम्ड एज पृथ्वी एयर डिफेंस। ठीक है, एयर डिफेंस में क्या होता है बच्चों, दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही उड़ा देने की क्षमता, इज कॉल्ड एज द बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का मतलब हवा में ही हम दूसरी मिसाइल को
मार सकते हैं। दो तरह का हम इंडिया का जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है वो दो लेयर में काम करता है, लेयर वन एंड लेयर टू। ठीक है, जो पहला लेयर है बच्चों वो है आपका पृथ्वी एयर डिफेंस। ठीक है, इसका हाइट होता है वो काफी ऊपर होता है, लगभग 50 से 180 किलोमीटर के बीच में ये काम करता है। ठीक है, 50 से 80 किलोमीटर के बीच में अगर कोई मिसाइल आ रही है, पाकिस्तान की तरफ से कोई मिसाइल आ रही है मान लेते हैं अपन, तो उसको ये 50 से 180 किलोमीटर हवा के अंदर ही मार गिराएगा। तो दैट इज कॉल्ड एज द पृथ्वी एयर डिफेंस। ये कोई पाकिस्तान का मिसाइल आ रहा है मान लेते हैं, ठीक है, दिस विल यू नो, इसको पृथ्वी मिसाइल से हम क्रैश कर देंगे, कोलाइड कर देंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे 50 से लेके 180 किलोमीटर के अंदर हवा के अंदर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द पृथ्वी एयर डिफेंस डिजाइन टू डिस्ट्रॉय मिसाइल्स इन एक्सोथर्मिक एक्सो एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर जो हमारा है ट्रोपोस्फेयर, बेसिकली ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर के बाहर ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। कैसे? पृथ्वी मिसाइल से हम इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। दैट इज नोन एज द पृथ्वी एयर डिफेंस। ठीक है, अगर मिसाइल ये हमारे अंदर आ चुका है, यू नो, आपके 50 से भी नीचे आ चुका है एटमॉस्फेयर के अंदर, यानी कि टारगेट को हिट करने वाला है, बेसिकली 15 से लेके आपके यू नो 40 किलोमीटर की हाइट पे अगर ये मिसाइल है, तो वहां पृथ्वी का हम यूज नहीं करेंगे, वहां हम यूज करेंगे फिर एडवांस एयर डिफेंस का बच्चों, क्योंकि मिसाइल अब काफी चांस है कि वो टारगेट को हिट कर सकता है। तो दिस इज कॉल्ड एज द सेकेंड लेयर ऑफ डिफेंस, दैट इज द टायर टू ऑफ द यू नो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। तो इसमें हम पृथ्वी मिसाइल का यूज नहीं करेंगे, इसमें हम दूसरी मिसाइल का यूज करेंगे, जो टेक्नोलॉजी बेसिकली इंपोर्टेड मिसाइल टेक्नोलॉजी लगा हुआ, इसराइल हमारी मदद कर रहा है, जैसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में है नहीं, तो ये एडवांस है बेसिकली, क्योंकि बहुत ही बच्चों इस टाइम जरूरी हो जाएगा, क्योंकि मिसाइल अब बहुत ही करीब आ चुका है, 15 से 40 किलोमीटर की रेंज में आ चुका है, तो बहुत ही जरूरी हो जाता है कि हम उसको अब डिस्ट्रॉय कर दें। तो यहाँ पे हम एक एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल का यूज करेंगे और ये इस इनकमिंग मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, सो आई होप यू गॉट द पैड सिस्टम ऑल्सो, आपको समझ में आ गया होगा, पृथ्वी एयर डिफेंस भी समझ में आ गया, एडवांस एयर डिफेंस भी आपको समझ में आ गया होगा, और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, ये सब मिला के हमारा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनता है बच्चों, जो हम दिल्ली पे अभी लगा रहे हैं। दिल्ली पे ये लग चुका है, मगर अगेन इट इज वेरी सीक्रेट, इंडियन एयरफोर्स और DRDO मिलकर बना रहे हैं। बात चल रही है कि मुंबई को भी, तो मुंबई हमारा जो यू नो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कैपिटल है, आपको पता है मुंबई का बहुत इंपॉर्टेंस है इंडिया के अंदर, सो मुंबई को भी हम इस डिफेंस शील्ड के अंदर हम इंक्लूड कर लेंगे। आई टोल्ड यू अबाउट द पृथ्वी मिसाइल्स एंड हाउ द पृथ्वी मिसाइल्स कैन बी यूज्ड एज द बैलिस्टिक मिसाइल्स डिफेंस, दैट इज द पृथ्वी एयर डिफेंस एंड द एडवांस एयर डिफेंस। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। छोटी सी भी चिन्नी सी भी प्रॉब्लम हो तो फटाफट आप लिख देना, ज्यादा भी प्रॉब्लम हो बिल्कुल कुछ नहीं आया समझ में तो मेरे को मेल कर देना, वहां पे आपको प्रॉब्लम का सलूशन दे दिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। इतनी जल्दी डिसीजन कैसे लेंगे? ये सारे डिसीजन कंप्यूटर्स लेते हैं। सही क्वेश्चन पूछा, डिसीजन कैसे लेंगे? सारे कंप्यूटर्स हैं, फटाफट रेडार यू नो चेक करता है कि कोई इनकमिंग थ्रेट आ रहा है या नहीं आ रहा, इनकमिंग थ्रेट को कंफर्म करता है कि ये हमारा कोई मिसाइल तो नहीं है, हमारा कोई देश का कोई हवाई जहाज तो नहीं है। जब कंफर्म हो जाता है कि हमारा नहीं, तो कंप्यूटर फटाफट मिसाइल लॉन्च कर देता है। माइक्रो सेकंड का खेल होता है बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, टाइमिंग इसमें बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सो दैट इज द डिसीजन मेकिंग इज डन बाय द कंप्यूटर्स। नाउ गाइस, मैं आपको थोड़ा नीचे ले आता हूँ, नीचे लेवल पे ले आता हूँ, बहुत ऊपर उड़ ली अपन अग्नि और पृथ्वी मिसाइल के अंदर। टाइम क्योंकि बच्चों हो चुका है 6:02 एंड द नेक्स्ट फैकल्टी इज अबाउट टू। अभी तक मिसाइल का, छोटी मोटी मिसाइल का यूज किया है, मगर अग्नि वग्नि का हमने अब तक यूज नहीं किया है। ठीक है, ठीक है, तो गाइज लेट्स नाग मिसाइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिसाइल, बिकॉज गाइज लास्ट ईयर ही 2019 के अंदर ही आपका इसको यू नो टेस्ट करा गया है, इसका थर्ड वर्जन है। ठीक है, थर्ड जनरेशन है नाग मिसाइल का, वो हमने टेस्ट किया है पोखरण के अंदर, तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि करंट अफेयर्स का भी पार्ट हो गया ये, और आपके मिसाइल जो टेक्नोलॉजी है उसका भी पार्ट हो गया। ठीक है, तो नाग मिसाइल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, वॉट इज द नाग मिसाइल? सो नाग मिसाइल एज यू कैन सी इज अ मिसाइल विच हैज द केपेबिलिटी टू डिस्ट्रॉय अ टैंक। बच्चों टैंक मान लो को हमें डिस्ट्रॉय करना है, अगर टैंक को डिस्ट्रॉय करना इतना ईजी नहीं होता, बिकॉज टैंक का जो आर्मर होता है, ठीक है, जो प्लेट्स होते हैं उस पर लगे होते हैं, वो बहुत ही सॉलिड होते हैं, बहुत ही थिक होते हैं, मोटे मोटे होते हैं, आर्मर्ड। ठीक है, आर्मर्ड मतलब कवच होता है। तो बच्चों आप नॉर्मल गोली या नॉर्मल वेपन से, नॉर्मल किसी चीज से, अपन रॉकेट लॉन्चर वगैरह से टैंक को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज द रोल ऑफ द नाग मिसाइल। इट हैज द हाईली यू नो
आर्मर पेनिट्रेटिंग कैपेबिलिटी, कवच को भेदने की क्षमता है इस मिसाइल के अंदर, डीआरडीओ ने बनाया है। फायर एंड फॉरगेट, फायर एंड फॉरगेट मतलब एक बार आपको सिर्फ रेंज में लाना है और आपको मिसाइल छोड़ना है, अपने आप मिसाइल अपना टारगेट ढूंढ के उस पर अटैक कर देगा। आप बोलोगे सर टारगेट कैसे ढूंढेगा, बिकॉज इट यूजेस द इंफ्रारेड गाइडेंस। इंफ्रारेड गाइडेंस बच्चों मतलब कोई भी जो गर्म चीज होती है, आपको पता है हर गर्म चीज होती है नॉर्मल टेम्परेचर थोड़ी सी भी ज्यादा है तो वो इंफ्रारेड जो रेज होती है वो एमिट करती है बॉडी, ठीक है, अपने से निकलती है, ठीक है, ह्यूमंस में से में निकलती है क्योंकि गर्म जो भी चीज होती है वो निकलती है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि टैंक तो बहुत गर्म होता है, उसका उतना बड़ा इंजन होता है, इतने बड़े हॉर्स पावर का इंजन होता है, तो वो एक बहुत ही एक्टिव सोर्स रहता है, ठीक है, हीट का, ठीक है। तो गाइज ये मिसाइल जो है अपनी बेसिकली हीट सीकिंग होती है, हीट सीकिंग मतलब गर्मी का सोत्र है उसको टारगेट करती है ऑटोमेटिकली और सीधा अटैक कर देगी, टैंक को डिस्ट्रॉय कर देगी। इंफ्रारेड गाइडेंस सिस्टम होता है इसके अंदर, दिन और या रात हो, कोई सा भी मौसम हो, ऑल वेदर आपको ये मारक क्षमता देती है। फायर एंड फॉरगेट की टेक्नोलॉजी है, 99% चांस है कि ये टारगेट को आपके डिस्ट्रॉय कर ही देगी। 3 से 7 किलोमीटर तक की रेंज में कोई भी वेपन हो, कोई भी यू नो एनिमी टैंक हो, उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दूसरे इन्फेंट्री व्हीकल पे भी इसको हम माउंट कर सकते हैं, इसका एक हेलीकॉप्टर से भी हम लॉन्च कर सकते हैं इसको, ठीक है, हेलीकॉप्टर से, मान लो वी हैव टू डिस्ट्रॉय अ टैंक, ठीक है, तो हम इस हेलीकॉप्टर से भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं टैंक को बाय द हेलिना मिसाइल। द हेलिना मिसाइल इज द यू नो द हेलीकॉप्टर बेस्ड वर्जन ऑफ द नाग मिसाइल। अब ऑब्वियसली जमीन से छोड़ना हो और हेलीकॉप्टर से छोड़ना हो, 90% चीजें तो मिसाइल की सेम रहेंगी, मगर थोड़ा बहुत यू नो उसके हुक्स वगैरह वो सब चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है, लॉन्च मैकेनिज्म थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। सो द यू नो हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग, हेलीकॉप्टर से जिस नाग मिसाइल को हम लॉन्च कर सकते हैं उसे हम कहते हैं हेलिना मिसाइल। सो आई होप द पर्पस इज सेम, द यू नो टेक्नोलॉजी इज 90% सेम बट द पर्पस इज ऑल्सो सेम, बट सिर्फ डिफरेंस क्या हो गया, नॉर्मल नाग मिसाइल जो है उसको हम जमीन से छोड़ते हैं और हेलिना मिसाइल को हम छोड़ते हैं हेलीकॉप्टर से। ओके, इट्स अ एंटी टैंक मिसाइल, वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, बिकॉज द थर्ड वर्जन हैज बीन इंडक्टेड, हैड बीन टेस्टेड सक्सेसफुली इन द 2019। ओके गाइज, दिस इज ऑल फॉर टुडे शो। नेक्स्ट हम पार्ट इसका लास्ट अपन खत्म ही कर देंगे इसको अगली क्लास के अंदर, ठीक है। पूरा मिसाइल आपका श्योर शॉट मानो, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन क्योंकि 1-2 साल हो गए क्वेश्चन नहीं आया बच्चों उस पर, तो आप श्योर शॉट मानो कि 2020 या 2021 के अंदर तो क्वेश्चन आना ही है, ठीक है। बाद में हम थोड़ा आकाश मिसाइल का पुराना हो गया फ्लाइट वगैरह अपडेट करके मैं लेके आता हूँ आपके लिए अगली क्लास के अंदर, ठीक है। आई विल कंप्लीट द ऑल ऑफ दीज मिसाइल्स। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, सो थैंक यू गाइज फॉर बीइंग देयर। ओके, क्लियर, आई होप सबको क्लियर हो गया, सोनू निगम ने बोल दिया है क्लियर है सर। गवर्नमेंट एंड डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच में रिलेशन मैटर नहीं करता, गवर्नमेंट और डिफेंस मिनिस्ट्री एक ही चीज है, कोई अंतर नहीं है। डिफेंस मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री मिलके सब गवर्नमेंट वो पार्ट बनते हैं एक साथ, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू रोहित गार्ड, राजकुमार, मोहित, राहुल, सोनू निगम, कुरनाल, राहुल, चंचत, नीलाक्षी, राहुल बनर्जी। सो दिस इज द कोड इफ यू रियली वांट टू गिव एन एज टू योर प्रिपरेशन, एंड गाइज आई विल बी ब्रिंगिंग क्लोज ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म डिसंबर से पहले। आई एम लॉन्चिंग 3 big courses ऑन द यू नो प्लस प्लेटफॉर्म, दैट इज ऑफ योर करंट अफेयर्स, ऑफ योर ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ऑफ योर IR ऑब्वियसली, ठीक है। दिसंबर से पहले बच्चों में 3 कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक है, और भी कोर्सेज लॉन्च होते रहते हैं। मैं IR का कोर्स ऑलरेडी स्टैटिक पार्ट का है, थोड़ा अपडेट्स मैं करूँगा IR के अंदर, करंट वाले प्लस के ऊपर बात कर रहा हूँ, एंड देन आई विल बी ब्रिंगिंग द कोर्स ऑन द करंट अफेयर्स, और सिक्योरिटी पे ऑब्वियसली मैं लाऊंगा ही, बिकॉज सिक्योरिटी इज माई यू नो इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस इज माई एरिया ऑफ डोमेन। सो गाइज व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, गो फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस पे गाइज यू नो मजा ही अलग आता है पढ़ाने का भी और पढ़ने का भी, इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म होता है, हर बच्चे से एक तरह से यू नो लगता है कि जुड़ा हुआ है बच्चा, बातचीत हो पाती है, ठीक है। तो आप कोड में अप्लाई कर सकते हो, 10% डिस्काउंट आप छूट पा सकते हो, क्रेडिट्स आप अपने अप्लाई कर सकते हो, उससे भी कुछ पैसों की आपको छूट मिल सकती है, ठीक है। और आप मेरे से मेंटरिंग और गाइडेंस तो आपको मिलेगी ही इफ यू यूज माय कोड पर्सनली ऑन फोन 24/7, ठीक है। तो आप देख सकते हो गाइस 44,000 इज अ फी एंड यू कैन गेट दैट थिंग इन 39,000 एंड 64,000 आई रिकमेंड, बिकॉज आप यू विल थैंक मी लेटर फॉर दिस के सर आपने अच्छा हुआ 1 या 2 साल का आपने हमें दे लिया, क्योंकि आपको दोबारा लेना ही पड़ेगा, लोगे ही आप, मुझे पता है क्योंकि सब लोग लेते हैं, ऐसा नहीं आप ही लोगे, बिकॉज इट इज वेरी मच यू नो हेल्पिंग एंड वेरी मच क्वालिटी एनहांसिंग, ओके, वेरी मच हेल्पफुल इन योर UPSC प्रिपरेशन, ठीक है गाइस। सो दिस इज माय कोड, रिमेंबर इट, यूज इट, रिकमेंड टू योर फ्रेंड्स ताकि वो मुझसे डायरेक्टली जुड़ पाए, ठीक है। YouTube तो इज जस्ट यू नो वन वे ऑफ मेकिंग यू हैबिचुअल विद द डिजिटल लर्निंग, ओके।
सो दिस इज आर अन अकेडमी ऑफिस चैनल, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, यू नो आप इसको बेल आइकन पे हिट कर सकते हो, इससे आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहेंगे आपके सारे के सारे, ताकि जो भी एजुकेटर्स पढ़ाते हैं और हमारे चैनल पे, ठीक है, आई टेक द यू नो फॉलोइंग थिंग्स विच यू ऑलरेडी नो। जिन बच्चों को नए होते हैं वो क्लास के शुरू से जाके देख लें, मेरे को पूरा आपको लिंक मिल जाएगा, आपको पीडीएफ तो मैं भेज ही देता हूँ ग्रुप के ऊपर, ठीक है। तो इसका पीडीएफ आपको बच्चों मिलेगा जब खत्म हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट वेनसडे को जब हम खत्म कर देंगे तब मैं पूरा एक साथ एक पीडीएफ भेज दूंगा, ताकि आपको भी परेशानी ना हो इधर उधर ढूंढने में और मुझे भी परेशानी ना हो बार बार इसको भेजने में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास तक आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास तक आई विल सेंड द पीडीएफ। दिस इज आवर चैनल, यू कैन ज्वाइन दिस चैनल गाइस, ओके, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, ठीक है, बाय बाय एवरीबॉडी। सो कोड आपको पता ही है क्या यूज करना है, बेस्ट कोड है बच्चों, बेस्ट गाइडेंस, बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको गाइडेंस मिलेगा। 10% डिस्काउंट तो आपको खैर किसी का भी कोर्स से मिल जाएगा, मगर बेस्ट ऑफ द बेस्ट गाइडेंस आपको मिलेगा इफ यू यूज माय कोड, दैट इज यू नो सिड 13, और सिड एसपी भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, सिड एसपी आप यूज करो या सिड 13 आप यूज करो, ठीक है। तो आपका कोड है, ठीक है, आप फैलाएं उसको, यूज करें, ठीक है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस, लेट्स एंड द क्लास फॉर द टुडे, एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ पेशेंट ऑडियंस, लेट्स विल मीटिंग अगेन टुमारो, एंड 9 बजे हम मिल ही रहे हैं अभी फॉर द एमसीक्यू क्लास। बच्चों एमसीक्यू के बिना आपकी तैयारी अधूरी है, तो प्लीज क्लास में आए, बस आपको youtube.com की जगह आपको आना है unacademy.com पे, दैट इज द डिफरेंस, आपको दिख जाएगा, आप मुझे फॉलो कर ही रहोगे वहाँ पे, आपको दिख जाएगा क्लास आज है, लाइव क्लास होगी 9 बजे, तो आप आई होप ऑल ऑफ यू आर कमिंग देयर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, यूपीएससी।